सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो वो में कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, जिस कन्नौज को वो अपना बताते थे, वो इटावा जहां से उनका गृह जनपद है वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाए। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो वो में कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, जिस कन्नौज को वो अपना बताते थे, वो इटावा जहां से उनका गृह जनपद है वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाए। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।